गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। सब कैसे हैं? देखिएगा चैप्टर नंबर 7, क्लास 7, चैप्टर नंबर 7 लेके आए हैं। आज नई तरीके से लेके आए थोड़ा सा, देखिएगा तरीका वही है, वैसे नई तरीका कुछ नहीं है। डिस्कस करेंगे आज पूरे चैप्टर के बारे में, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूट्रिशन एनिमल्स। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे न्यूट्रिशन प्लांट्स के बारे में, हम पढ़ चुके थे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे आखिरकार एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन के लिए हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि टॉपिक को ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो सर सही ढंग से देखिएगा कि क्या चीज़ है, क्योंकि कल का जो टॉपिक आया था वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या चीज़ होती है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाई ऑर्गेनिज्म टेक फूड। आखिरकार भोजन क्यों करते हैं? ये फर्स्ट चैप्टर में हमने समझा रखा है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनको फूड की आवश्यकता क्यों होती है, व्हाई ऑर्गेनिज्म टेक फूड, ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत क्यों होती है, क्यों करते हैं वो, फूड लेते क्यों हैं। तो हमें पता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर्स ऑफ फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब हमने क्या बोला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, कि ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस को इंक्लूड कर लिया आपने इसमें। ह्यूमन का मतलब होता है जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया, तो मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जरूरत होती है फूड फॉर ग्रोथ, बढ़ने के लिए, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी को रिपेयर, जैसे टूट फूट जाता है, कट जाता है, उसको रिपेयर करना होता है, उसको रिपेयर करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, और फंक्शन मतलब उसको चलाने के लिए, जैसे चलाना किस चीज़ को लिए चलाना, हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सब कुछ के लिए फूड जरूरी है। इवन की हार्ट बीट को जो होता है वो भी हमारे पास, उसके लिए भी हमारे पास किसी की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है। चलिए फूड के बारे में हम बात करते हैं कुछ। देखिए इससे पहले हम जानते हैं कि फूड को जब हम खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन तभी मिलेगा हमको, एनर्जी तभी मिलेगी जब ये डाइजेस्ट होगा। देखो हम पत्थर खाना दें, पत्थर खा के खत्म कर सकते हैं, तो पत्थर को खा के हम पत्थर को क्यों नहीं खाते हैं? पत्थर को खाने का सबसे बड़ा रीजन है कि हम क्यों नहीं खाते, क्योंकि पत्थर जो होता है, पत्थर को हम चबा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको अब हार्ड पार्टिकल्स उसको डाइजेस्ट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है, कि उसको डाइजेस्ट करना इम्पॉसिबल है। तो सबसे मेन चीज़ है कि डाइजेस्ट करना, कि डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें न्यूट्रिशन कभी नहीं मिल सकता। तो सबसे पहली बात आती है डाइजेशन की। तो डाइजेशन जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इस क्लास में आप पढ़ चुके हो, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो कि कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करता हूँ, कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। मैंने क्या बोला कि कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी हुआ, ये एज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमें क्या करना होता है, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में बनाना होता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या रोटी को आप डायरेक्टली पेट के अंदर डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं। उसके लिए पापा ने क्या देखा, हमको दाँत दे रखे हैं, इतना हार्ड चीज दे रखी है हमारे पास दाँत, जिससे कि हम अभी कभी पत्थर, कंकड़ पत्थर भी आ जाता है तो भी उसे भी तोड़ देते हैं। तो सोच लीजिएगा कितना हार्ड पार्टिकल्स है हमारे पास, जो दाँत है कितना हार्ड है। तो इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स चीज को सब सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल कर ही उसको क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट। तो अब डाइजेशन क्या हुआ, डाइजेशन को होता है कि द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, उन सभी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। मतलब हमने रोटी लिया, रोटी लेने के बाद हम उसको चबाया, चबाने का जो प्रोसेस हुआ, उसको छोटे छोटे टुकड़े करवाता है, सिर्फ डाइजेशन वहाँ पे नहीं होता है, वो फूड पार्टिकल्स हम स्वेलो कर लेते हैं, स्वेलो करने के बाद धीरे धीरे कहाँ पे जाता है, स्टोमक में जाता है। तो वहाँ पे हमारे पास, वहाँ पे होके वहाँ पे जो हमने पार्टिकल्स छोटे कन्वर्ट किए थे, अब वो पार्टिकल्स भी और छोटे पार्टिकल्स में जाके कन्वर्ट होता है, तब वहाँ पे जाके इसका डाइजेशन होता है। तो इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। तो
बेसिकली आपको यहाँ तक डाइजेस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब लेने का भी प्रोसेस होता है, हमने तो यमन का तो पता ही है कि भाई चबाते हैं, मुंह के अंदर डाला, चबाया और चबाने के बाद उसको स्वाइलो कर लिया, फिर डाइजेशन हो जाएगा। हर किसी का जो फीडिंग का प्रोसेस होता है, मोड ऑफ फीडिंग, फीडिंग मतलब कहलाता है खाने का जो तरीका होता है वो अलग टाइप का होता है। तो हम कुछ वेज पढ़ते हैं, कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हर एक चीज का भी हम देखेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके जो खाने का तरीका है वो भी अलग है और उनके जो काइंड ऑफ फूड है वो भी अलग है। तो नेम ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का नेम बता दिया हमने, कौन कौन से एनिमल्स आएंगे, काइंड ऑफ फूड्स, फूड कौन कौन से फूड इस्तेमाल में होते हैं, देखिए फूड भी कितने टाइप के इस्तेमाल होंगे। अब मोड ऑफ फीडिंग, खाने का तरीका आखिरकार क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्नेक की बात। तो स्नेक का आपने सुना ही होगा, स्नेक्स बाकी बेसिकली आपको पत्तियों में दिखाए थे, स्नेक्स जो होते हैं वो बेसिकली पत्तियों को खाते हैं या फिर इंसेक्ट्स, काइंड ऑफ फूड क्या होता है इसका, लीव्स एंड इंसेक्ट्स। स्नेक्स का सबसे बेसिकली जो मोस्ट काइंड ऑफ फूड जो होता है वो लीव्स होता है, क्योंकि वो आपने देखा होगा पत्तियों में रहते हैं और उसको साइड से चट कर जाते हैं, तो उस सारे के सारी चीज़ों की स्नेक्स होती है और साथ ही साथ इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं इसमें, उसका जो काइंड ऑफ फूड होता है। और स्नेक का फूड करने का जो फीडिंग करने का जो मोड है वो कैसा है, फीडिंग करने का मोड कब होता है, स्क्रैपिंग। अब उसका स्क्रैपिंग आप चाहते हैं कैसे खाता है, तो खाने के इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्क्रैपिंग बोलते हैं, खाने के प्रोसेस को स्क्रैपिंग बोला जाता है। ध्यान देना कि इस खाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्क्रैपिंग बोला जाता है। बात करते हैं आंट की, आंट देखा ही होगा सभी ने, आंट की हम बात करते हैं उसमें फूड पार्टिकल्स, वो क्या खाता है, बेसिकली फूड पार्टिकल्स को ही कहते हैं, जो हम बेसिकली हम खाते हैं उसी फूड पार्टिकल्स को वो भी खाते हैं। अब वो खाते कैसे, उसका फीडिंग करने का तरीका कैसे, हम चबा के नहीं खाते वैसे सेम वो भी च्यूइंग करते हैं, ह्यूमंस भी जैसे च्यूइंग करता है और भी आंट भी सेम च्यूइंग करके ही उसका मोड ऑफ फीडिंग होता है। बात करते हैं ईगल की, ईगल आपने देखा ही होगा, देखा भी नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं देखा तो ईगल जानते भी हैं सभी ईगल कैसे होते हैं। तो ईगल क्या होता है, काइंड ऑफ फूड क्या होता है, स्मॉल एनिमल्स। आप जानते हैं कि ईगल सबसे ज्यादा आप जो इस छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं खासकर रेट, चूहे को बहुत ज्यादा वो चूहे को बहुत ज्यादा शिकार बनाता है, उसका जो सबसे बड़ा प्रे होता है वो कौन सा होता है, चूहा, रेट होता है, रेट सबसे छोटे उसमें इसके अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल होता है। कभी कभी कुछ सांप वगैरह भी ईगल खा लेते हैं। तो इसे खाने का प्रोसेस क्या होता है, कैप्चरिंग, सबसे पहले तो पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उसके बाद उसके सैर पड़ते हैं, पकड़ने के बाद उसको स्वाइल मतलब कि इसको कैप्चर करने के बाद उसको टीयर करने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको स्वाइल कर लेते हैं, चबाते नहीं है, च्यूइंग नहीं करते, कैप्चर करने के बाद, कैप्चर मतलब पकड़ना होता है, स्वाइल मतलब निगलना होता है, स्वाइल कर लेते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं क्रो की, क्रो आप देखते होंगे क्रो क्या होता है, क्रो जो डेड एंड डिकेइंग पार्टिकल्स होते हैं या फिर कुछ छोटे मोटे जो फूड मटेरियल्स होते हैं उसको भी खाते हैं, लेकिन क्रो का जो खाने का जो मोड है, फीडिंग मोड जो है वो उसका क्या करता है, कैप्चर नहीं करता, वो सबसे पहले क्या करता है, उसको टीयर करता है, फाड़ता है, फाड़ने के बाद जाकर उसको स्वैलो करता है। तो क्रो का याद रखिएगा। इसी चीज़ का कोई ईगल हो गया, हमिंग बर्ड्स छोटे छोटे हमें बर्ड देखे, सबसे मोस्ट बर्ड को बोला जाता है, हमिंग बर्ड क्या करता है, हमिंग बर्ड कहाँ पर उसका काइंड ऑफ फूड क्या होता है, क्या फूड करता है, वो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करता है, फ्लावर्स से नेक्टर्स लेता है, नेक्टस मैंने बताया था कि नेक्टस फ्लो के अंदर जो मीठा जूस होता है, स्वीट जूस को नेक्टर बोलते हैं, तो नेक्टर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो नेक्टर होता है उसको उसका काइंड ऑफ फूड होता है, लेता कैसे, सकिंग, सकिंग मतलब चूसने का जैसा होता है, सब करके बोले जाता है, लिस खटवाला आपने सुना होगा। तो वो क्या होता है कि ब्लड सकिंग करते हैं, ब्लड को सब करते हैं, हम मोड को न्यूट्रिय को मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, सकिंग, ब्लड को लेता है और किस किस मोड पे लेता है, सकिंग मोड पे लेता है। मॉस्किटो भी सेम एज इट इज है कि मॉस्किटो भी क्या करता है, ब्लड लेता है, किस टाइप से लेता है, सकिंग करके लेता है, कैसे लेता है, सकिंग करके, ये भी सकिंग का प्रोसेस चलता है, मॉस्किटो का भी सकिंग हो गया। आगे बात किसकी, बटरफ्लाई की, किसकी बात करेंगे, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का जो सबसे मेन काइंड ऑफ फूड होता है वो नेक्टर्स ही होता है, जैसे हमिंग बर्ड का होता है इसका भी सेम नेक्टर्स ही होता है, जैसे बीज का भी नेक्टर्स होता है इसका भी सेम नेक्टर्स होता है। इसका जो फीडिंग करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, सिफोनिक, सिफोनिक मतलब आपने देखा होगा कि सकिंग नहीं करते हैं, बेसिकली सकिंग नहीं करते वो, सिफोनिक करते हैं वो, उसका प्रोसेस ही अलग होता है, मुँह के सामने जो एक पाइप टाइप होता है अपने अजीब से होता है उसका,
सेम एज हाउस वाइफ भी होता है। ये क्या करता है, इसका जो काइंड ऑफ फूड होता है वो सब कुछ होता है। काइंड ऑफ फूड क्या होता है, सब कुछ, मतलब कि कुछ भी किसी चीज़ को भी खा लेते हैं। और इसकी इसका भी प्रोसेस क्या होता है, मोड ऑफ फीडिंग का होता है, सिफोनिक ये होता है। तो सिफोनिक प्रोसेस आप जानते हैं, मक्खी को देखा ही होगा, वो हर एक चीज़ पर बैठ जाते हैं, किसी टाइम बहुत ही गंदी होती है तो बोलना नहीं पड़ता है कि किसी चीज़ पर बैठने का मतलब क्या होता है। तो ये सिफोनिक होते हैं, तो सिफोनिक होने का रीज़न होता है कि किसी चीज़ पर जाके खाने का प्रोसेस, वो मोड ऑफ फीडिंग अलग ही होता है। तो ये आपको इसके प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा, मोड ऑफ फीडिंग प्रोसेस, काइंड ऑफ फूड, ये भी आपको समझ में आ गया किस टाइप के एनिमल्स कैसे खाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कल हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे हमारे जो डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम का हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में हम इसको जानकारी करेंगे कि अगर तक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और दूसरी चीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। दूसरी चीज़ हम बताए गए कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, पुराने जितने भी आप चाहते हैं वो सब आपको पॉसिबल है कि मिल जाए। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसे लगा है। तो ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ तक ही हम छोड़ते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।